चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय है, हमने नहीं बोला, चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए। ये उनका, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें एससी एसटी में उपवर्गीकरण एवं क्रिमिनल को लागू करने का आदेश दिया है, और इसको लेकर के पूरे भारत में जो एससी एसटी समाज है उसमें काफ़ी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को आरक्षण दिया है, उसके 7 जजों की बेंच ने जो यह फैसला सुनाया है यह बहुत ही गलत है, यानी कि आरक्षण से छेड़छाड़ करने की कोशिश किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हम लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उसको बराबरी में लाने के लिए, समाज में एक दूसरे को बराबरी में लाने के लिए हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दिया है, लेकिन फिलहाल अभी भी हम देश में जो है सामाजिक न्याय नहीं मिला है एससी एसटी समाज को, तो इसके लेकर के जो फैसला दिया है एससी एसटी उपवर्गीकरण एवं क्रिमिनलियर को लेकर के, तो यह बहुत ही गलत है और हमें एससी एसटी दलित समाज को बांटने के एक साजिश है और ऐसा कहा जा रहा है। और इसको लेकर के 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान, इसमें बहुत सारे नेता जो है जैसे कि पक्ष विपक्ष में आ गए हैं, दलित समाज दो वर्गों में बंटता हुआ नज़र आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसका हम स्वागत करते हैं और इसको लागू करने के लिए अगर हमें सड़क पर भी आना पड़े तो हम आकर के इसको लागू करवाएंगे। वहीं जो चिराग पासवान है उसका कहना है कि जो खुद सरकार में बने हुए हैं और मंत्री पद पर बने हुए हैं, उसका कहना है कि जो सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है यह बहुत ही गलत किया है और दलित समाज को बांटने का एक साजिश किया है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे, वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया है जो, और इसका साथ दिया है भारत बंद का, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो यह आदेश आया है यह बहुत ही गलत है। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग वह प्रत्येक नेता का बारी बारी से क्या उसका कहना है सुन लेते हैं। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं, बारी बारी से हम लोग सुन लेते हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं कि क्रिमिनलियर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे, तो मांझी जी आप क्रिमिनलियर में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका बेटा क्रिमिनलियर में आता है कि नहीं आता, आपका परिवार क्रिमिनलियर में आता है कि नहीं आता, तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे, ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मांझी जी की प्रतिक्रिया में दोनों एक ही गठबंधन में है, दोनों की राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला, चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए, खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों ने वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस को
फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, एमएलए में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली सुविधा है वो सबका 90% वही 2-4-5 जातियाँ मिलकर के ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था, हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है उसको लोग देखें। इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं, इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया है, तब से जो अगड़े दलित है जो आरक्षण का लगभग लाभ उठा चुके हैं और लगभग लेने का अधिकार है, बहुत भड़के हुए हैं और घटिया घटिया मिसाल हमें दे रहे हैं। एक मिसाल दे रहे कि 100% आपको सफाई के कार्य में आरक्षण है। हमने कब कहा हमें 100% दे दिए? हम तो कह रहे हैं कि दे दो बांट के। हाँ, शर्त होनी चाहिए कि अगर उसमें अगर कोई जाट बनिया ब्राह्मण अगर उसमें सफाई कर्मचारी बनता है तो सड़क पे झाड़ू लेके सीवर में उतरते हुए वो दिखाई देना चाहिए, ये नहीं कि वो अलग ऑफिस में बैठ जाए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रोकते आप हैं, हमें आज दूसरे लोग भी रोक रहे, हमें रोक रही है मायावती, हमें रोक रहा पासवान परिवार, साबित कर रहे यूपी विधानसभा की 403 सीट है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट है, उनमें से कितनी सीटें वाल्मीकि कौम को देती है उसकी संख्या के हिसाब से। वो उन स्टेटों का नाम नहीं लेना, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, जहां से आपने कभी जीतना ही नहीं, वहां से अगर आप टिकट दे भी दो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां से पता है संभावना है कि यहां जीत सकते हैं, वहां से कितनी बार टिकट दी है। बिहार में पासवान परिवार ने पासवान से हटके, दुसाद से हटके बाकी दलितों को कब टिकट दिया, कभी साबित कर दे। अगर आप देर ही रहे तो फिर अलग हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी और जहां से मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट था, वहां तक पहुंच गए और हम भी नहीं पहुंचे। पहुंचा तो एक आदमी था बेचारा, वो जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा भी नहीं सकता था जिसके नाम से केस हुआ, देवेंद्र सिंह के नाम से। उसके पीछे ये लोग अपनी महासभा बना के खड़े हो गए, लाखों रुपए के वकील इन्होंने खुद खर्च करके दिए और धीरे धीरे पंगा लेते 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 खुद आज उस पंगे में फंस गए कि अब सुप्रीम कोर्ट के 7 नहीं, 7 में से 1 कम हुआ 6, 5 पहले थे, 11 जजों का फैसला हमारे पक्ष में आ गया। और अब उसको मध्य प्रदेश भी मांगेगा, राजस्थान भी मांगेगा, उसको दक्षिण के स्टेटों ने पहले से लागू करने की बात कर दी और पंजाब में अधूरा है तो पंजाब भी मांगेगा, J&K भी मांगेगा, राजस्थान भी मांगेगा, सारा देश मांगेगा कि जो दलित आरक्षण का लाभ नहीं ले सके और अभी भी पिछड़े हैं और आरक्षण बना था जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए, तो उसके लिए अलग हिस्सा मांगेगा। आरक्षण एक हिस्सेदारी है, जब मैं कहता हूं आरक्षण एक हिस्सेदारी तो सारा दलित वर्ग खुश हो जाता है, मगर जब मैं कहता हूं कि आरक्षण में उसकी हिस्सेदारी भी है उसे भी सुनिश्चित करो, जो सीवर में जिंदा उतरता है जिंदा बाहर वापस नहीं आता, जिसने कोरोना काल में चाहे देश में कहीं बम फटा हो अपने नंगे हाथों से लोगों के चिथड़े उठाए हैं, लोगों की लाशें उठाई हैं बिना अपनी जान की परवाह किए, उस दलित के लिए भी सोचो, तब हमें कहते हैं कि आप फूट डाल रहे हैं। फूट अगर हम कहें
तो फूट तो आज वो है जो सड़कों पे बिल्कुल एक मर्यादाहीन शर्म लिहाज छोड़ के सीधे सड़कों पे हमारे खिलाफ खड़े हो आ रहे हैं, नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, फूट तो वो है। या कह सकते हैं कि फूट तो फिर वो भी है कि हम भारत की धारा आईपीसी को छोड़ के हम दलित एक्ट अलग से हमने मांगा, हमने मानव अधिकार आयोग को छोड़ के हमने कहा कि एससी कमीशन अलग होना चाहिए, तो फूट तो इसे भी कहा जा सकता है। मगर वो फूट नहीं है, वो है जहां न्याय ना मिले, जहां एक तबका कमजोर है उसके लिए व्यवस्था है, वो जैसे महिला कमजोर है उसके लिए व्यवस्था है, बच्चे कमजोर है उनके लिए अलग से आयोग है, महिलाओं के लिए अलग से आयोग है, तो ये है। दूसरा, हमारे ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं, दो इल्जाम लगाने शुरू किए। एक, वो जो बाबा साहब के समय भी लोगों ने कहा कि ये पढ़ नहीं जाए, स्कूल इनके लिए भी खुले हैं, जाके वहां पढ़ ले और आ जाए बराबर। मगर मैं कहता हूं भी ठीक है, महादलित जो आज है उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए, मगर आप जो पढ़ लिख गए, जो जज बन गए, आप में से वकील बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, और आप लोगों ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तब आपका कोई आपका आदमी दलित बस्ती में आया हो और आके दलित बच्चों की यानी सफाई कर्मगार के बच्चों की बाजू पकड़ी हो और कहा हो कि आओ तुम्हें स्कूल छोड़ के आओ, कभी नहीं आए। हाँ, अगर कभी आए हैं तो फूक डालने आए हैं, आके कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष क्या है, या बाबा साहब अम्बेडकर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि की तरह शिक्षा की बात करते हैं, तुम्हें शिक्षित होना, ये कभी नहीं कहा इन्होंने। जब कभी हमारी बस्ती में आए हैं, रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्डिंग में बातें हैं ये जो मैं कह रहा हूं, जब कभी वाल्मीकि बस्ती में आए हैं तो प्रभात्मा वाल्मीकि के खिलाफ बोले हैं, सुपाच सुदर्शन के खिलाफ बोले हैं, पूरी वाल्मीकि कौम को बिकाऊ कहा है। मैं हैरान होता हूं हम कब बिकाऊ हैं, कब हमने नागनाथ और सापनाथ जिनको नाम दिया उनके साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं, कब हमने हमें बताया कि हमने कब जो है किसी टंडन के यहां राखी बांधी है, हम कहां बिकाऊ हुए। इस कौम को तो मोल भाव आता ही नहीं है, ये कौम तो अभी जज्बात में जी रही है, और जिसने हंस के हाथ मिला लिया उसको जान देने को तैयार हो जाती है।